कोलिजन डायमीटर और कोलिजन क्रॉस सेक्शन से आप क्या समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिव्य दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, कोलिजन डायमीटर एंड कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोलिजन डायमीटर, फिर हम पढ़ेंगे कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो भाई पहले बात करते हैं कोलिजन डायमीटर की। तो भाई कोलिजन डायमीटर क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना, उसको बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एटम ये है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये आपस में टकरा गए ना, तो यहां से लेके यहां तक जो दूरी, इसको बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। इसको अगर ये दोनों सेम पार्टिकल हैं, तो बेटा ये मान ले ये क्या आर ए और ये भी क्या है आर ए, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए। तो ऐसे केस में हमारे पास कोलिजन डायमीटर होगा सिग्मा ए ए, क्या होगा सिग्मा ए ए, और इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, टू आर ए, क्या हो जाएगा, यानी कि आर ए प्लस आर ए। ओके ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये कोलाइडिंग पार्टी, बताओ क्या मेरे पास ये डिससिमिलर है, नहीं समझे बात, अब बताओ क्या है ये, अब कोलिजन डायमीटर मेरे पास क्या होगा, बोलो भाई, अब ये मान लिया आर ए है और ये बताओ आर बी है, ठीक है बात। तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे सिग्मा ए बी, और ये बेटा होएगा, बताओ क्या होगा, आर ए प्लस आर बी, इजंट इट, आ गया। फिर हमारे पास क्या है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, फिर क्या है कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अब इसको आप समझो भाई, देखो आमतौर पे बच्चे क्या सोचते हैं, कोलिजन डायमीटर क्या मान लेते हैं, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है बात। अब कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसको मिटा दे, तो भाई पहले आप बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ो, बताओ क्या होती है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन डिफाइंड एज द एरिया अराउंड द पार्टिकल इन विच सेंटर ऑफ अनदर पार्टिकल मस्ट बी इन ऑर्डर फॉर द कोलिजन टू ओकर। क्या ये किसी भी मॉलिक्यूल के अराउंड वो एरिया होता है जिस एरिया में किसी दूसरे पार्टिकल का सेंटर होना जरूरी है, नहीं आपको, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, बेटा मेरे पास एक पार्टिकल है, हमारे पास मान लिया एक पार्टिकल है, ये रहा एक पार्टिकल, ओके, और मैं कहता हूं भाई ये इसकी, इसका बेटा क्या है एक्चुअल आर ए, ये इसका एक्चुअल रेडियस है, समझ गए बात। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल यहां से आएगा, अगर अब अगर एक इस साइज का पार्टिकल, क्या अगर एक बेटा इस साइज का पार्टिकल यहां से आएगा तो क्या इसे टकराएगा ये, देखो देखो हल्का इसे टकराएगा ये, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही, ये बेटा हल्का इसे टकराएगा ना, इजंट इट, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसे कोलिजन डायमीटर में है, सॉरी सॉरी मैं कहूंगा कि ये इसके कोलिजन क्रॉस सेक्शन के अंदर है, समझे बात। तो इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो मान लो हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल है, मान लो इसका बेटा क्या मान लो आप आर ए मान लो, ठीक है बात, और ये मान लो भाई आर बी, एक तरह से नहीं, बोलो भाई, ठीक है, तो यहां इसके सेंटर से नहीं है, यहां तक का बेटा आप दूरी लो, नहीं मत आपको पले पड़ी, इसको हम बोलेंगे कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो इसका पता है, इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन पता क्या है, इतना, समझ आया कुछ, मैं कहूंगा कि इसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन है ना, इस एटम का, सॉरी इस पार्टिकल का जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है वो इस केस में इतना है, आपको कैसे कैसे, देखो आप ये बताओ, अब अगर मान लिया
ये पॉइंट इसका, अगर ये अब बेटा मान लो एक पॉइंट और मान लो आप, एक पार्टिकल और मान लो दूर, मान लो थोड़ा इससे, ठीक है, आप इसको यहां मान लो पार्टिकल का सेंटर, ओके, और ये ऐसे है, तो इसका सेंटर इस एरिया से बाहर नहीं है क्या, बताओ? तो ये इससे नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा ना, पक्की बात है? अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? अरे नहीं, आप सुनिए, ऐसे इस टाइप से भाई, मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे मतलब एक तरह से ये है कि भाई ये कितना एरिया अपने अराउंड, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो, जो मतलब कोलिजन के बाद जो नहीं प्रोपोर्शन, वो कितना एरिया अपने अराउंड एक तरह से उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, नहीं बात आपको पल्ले पड़ रही, समझ गए बात? तो इसको इसको पता कैसे निकालते हैं, इसको बेटा निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोलते हैं, मतलब अगर ये पार्टिकल, आप फर्ज करो बेटा ये पार्टिकल यहां से आ रहा है तो ये से टकराएगा ना, ये जस्ट से टकराएगा, टकराएगा बस ये, लेकिन इसका सेंटर अगर थोड़ा यहां चला जाए तो ये इससे नहीं टकराएगा ना। अरे बोलो भाई, अब अगर मान लिया मैं कहूं कि ये पार्टिकल यहां है, यहां बेटा ये है, तो इससे इसका, बोलो भाई, दूर नहीं है, तो क्या होगा ये उसे, क्योंकि देखो ये जाएगा, यहां से जाएगा, ये इस रीजन से पास नहीं करेगा ये, तो इससे नहीं टकराएगा, पक्की बात है। हाँ, दूसरी तरफ अगर यहां पर होता, कहां पर होता? यहां पर होता। अब देखो, अब ये इस रीजन से बाहर पार निकल रहा है, अब हमको दिख भी रहा है ये यहां से टकराएगा किनारे से, अगर क्या बोलते, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, नहीं समझे बात? तो इसके अब दो, एरिया अराउंड ए पार्टिकल इन विच सेंटर ऑफ अनदर पार्टिकल मस्ट बी इन ऑर्डर फॉर द कोलिजन टू ओकर, नहीं समझे बात? कि दूसरा पार्टिकल जब इसके नजदीक से, सबसे ज्यादा जिसके क्या जाए नजदीक से, तो उसका सेंटर इसके अंदर होना चाहिए। हाँ, अगर यही पार्टिकल अब कर रहे हैं यहां पर ये ऐसे जाएगा तो देखो तब टकराएगा ये, नहीं आपको समझे? तो इसको हम निकालते कैसे, कोलिजन क्रॉस सेक्शन को, मतलब आप इसको मान सकते हो कि किसी पार्टिकल के अराउंड वो एरिया, समझे बात, जिसमें कोलिजन पॉसिबल है, किसी दूसरे पार्टिकल का सेंटर वहां पर आ जाए ना, तो कोलिजन पॉसिबल हो। और इसको पता, इसको बहुत सिंपल निकालते हैं कैसे, ये हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, और बेटा एक पार्टिकल ये है, इसको ऐसे निकालते हैं, तो ये और ये, पहले बताइए, बताओ मेरे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ए बी, तो ये क्या आर ए प्लस आर बी, ये बताओ मेरे पास क्या कोलिजन डायमीटर, ये मेरे पास क्या कोलिजन डायमीटर। तो उसको मालूम कैसे करते हैं कि यहां से लेके इसका रेडियस दूसरा पार्टिकल से सटा के, दूसरा पार्टिकल से इससे इससे सटा के बिल्कुल, और दूसरे का जहां क्या पड़े, मतलब कह सकते हो कि कोलिजन डायमीटर लेके और उसका वहां से क्या बना दो, कोलिजन डायमीटर को सर्कल बना लो, क्या बना लो, मतलब कोलिजन डायमीटर से क्या बना के रेडियस, कोलिजन डायमीटर क्या बना लो, रेडियस बना के उसको यहां पर प्रकार रख के और ऐसे बना दो, या फिर यहां बना दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको ये, तो ये यहां पर ऐसे ही जाएगा हमारे पास ये, बताओ? तो इसका, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थीटा ए बी, क्या बोलेंगे इसको, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, बताओ कैसे आएगा मेरे पास ये आएगा मेरे पास। अब अरे एरिया क्या होता हमारे पास, तो मैं आपसे एरिया पूछूं, ये एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्या होता, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर यहां पर आपने सिग्मा ले रखा, एक तरह से आर आपने क्या लिखा है, सिग्मा, कोलिजन डायमीटर ले रखा होगा, तो पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर, नहीं आपको, ये आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, कोई भी एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर, जब आपने कोलिजन डायमीटर को रेडी, कोलिजन डायमीटर को रेडियस बना के सर्कल, क्या खींचो सर्कल, उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू कोलिजन डायमीटर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो जहां पर ये टोटल आर क्या, सिग्मा ए बी क्या होगा, तो पाई इंटू मतलब क्या होगा, आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर, ये आ गया बेटा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आसान है मुश्किल है, या आप उसका मान सकते हो कि वो कितना एरिया घेर लेगा, मतलब ये जो
कोलिजन होएगा ना, तो पूरा पोर्शन कितना एरिया घेर लेगा। अगर मैं इस पूरे अगर पूरे सिस्टम को मैं यहां लेके आऊं तो ये बाउंड्री यहां पर आ जाएगी और ये बाउंड्री यहां पर आ जाएगी। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो बेटा, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। अरे ये था मेरे पास, सॉरी, हाँ बोलो, ये था ना, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया, एक ऐसा सर्कल जिसमें दोनों सर्कल आ जाए उसका एरिया। एरिया क्यों माइनस करना है? अरे सारा एरिया ये, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा। हाँ नहीं बता आपको पहले पड़े, अगर मैं इन दोनों को यहां ले आऊंगा, हाँ बताओ पहले बताओ, ये आपको पहले पड़ गया। हाँ कोलिजन क्रॉस सेक्शन, बताओ क्या मान लो कि जब मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो अपने सामने टू डायमेंशन में कितना एरिया घेरते हैं? आप ये बताओ, फर्ज करो एक मॉलिक्यूल टकरा गया दूसरे से टकरा गया, अब ये ऐसे बैठे रहेंगे कि ऐसे घूमने लग जाएंगे, तो अभी तो ये एरिया, अभी तो ये वाला एरिया ऑक्यूपाई ये कर रहा है और ये वाला एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ये पूरे असेंबली से घूमने लग जाए फर्ज करो कुछ समय के लिए, तो वास्तव में कितने एरिया में किसी को ना देंगे? कोई जब डांस करता बारात में, अगर कोई ऐसे ऐसे डांस कर रहा है दूर दूर तक हाथ मार मार के भाई, तो काफी एरिया को कवर कर लेता कि वहां पर कोई नहीं आ सकता। अरे मॉलिक्यूल घूमेगा भी, कमाल करने कुछ घूमेगा, न्यूक्लियस फिक्स क्यों है? इलेक्ट्रॉन घुमाया मैंने यहां पर, यहां पर तो एटम घूम रहे हैं उनकी असेंबली, हाँ भाई वो दोनों तरीके आपको भाई उसको आप किसी भी साइड बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये फॉर्मूला आपको आ गया, ठीक है, आप ये देखो, मान लिया मेरे पास एक तो ये है और एक ये है, नहीं समझे बात, तो मैं ऐसे बनाऊंगा तो बेटा ऐसे आएगा मेरे पास, मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा तो दोनों बॉल उस बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, और आपको मतलब ऐसे बनाऊंगा तो तब दोनों उसके साथ अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, नहीं आपको समझ बस, तो फिर और अगर दोनों सेम हो तो अच्छा, एक बात ध्यान रखियो भाई, कई बुक्स में नहीं कई बारी कोलिजन क्रॉस सेक्शन को भी सिग्मा लिख देते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्या कोलिजन डायमीटर को सिग्मा लिखो, क्योंकि कई बुक्स में क्या होता है कोलिजन डायमीटर को भी सिग्मा लिख देते हैं और कोलिजन क्रॉस सेक्शन को भी, तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन को लिखियो थीटा, क्या लिखियो, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। भाई कितना आसान है, कोलिजन डायमीटर लेके उससे क्या बना दो, सर्कल बना दो उसका, एक कोलिजन डायमीटर लेके प्रकार को उतना खोल के और एक सर्कल खींच दो भाई। अगर दो मेरे पास सेम पार्टिकल है तो बताओ इनका एक कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बताओ मेरे पास दोनों टच कर रही है, बताओ। तो इसका आपने क्या निकालना है, एरिया, तो ये लेंथ क्या होगी, 2R होगी ना, तो तब बताओ मेरे पास क्या जाएगा, तब क्या क्या हो जाएगा, तब सिग्मा ए होएगा, सिग्मा ए क्या होगा मेरे पास 2R है ना, तो 4R पाई 4R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका कोलिजन क्रॉस सेक्शन हो गया। अब ठीक, अब तो ठीक है, नहीं आया बेबी? तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।